हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि प्राइस जब आपका अपसाइड मोमेंटम दिखाता है, कुछ दूर अपसाइड मोमेंटम जाने के बाद क्या होता है, प्राइस आपका एक रेंज में मूव करने लगता है। तो यहाँ पर होता क्या, इसको समझना है। जो भी लोग इस लेवल पर या फिर इसके नीचे कहीं पर भी एंट्री किए, वो इस रेंज पर आने के बाद क्या करते हैं, वो सेल करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस जोन को हम लोग प्रॉफिट बुकिंग जोन भी हम लोग बोलते हैं। यानी यहाँ पे जनरली हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। और एक और चीज़ होता है, जो भी लोग इस लेवल पे पहले से फंसे हुए, वो भी यहाँ पर एग्जिट करके यहाँ से निकलना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम के बाद आप जनरली देखे होंगे कि मार्केट आपका एक रेंज पकड़ लेता है। अब इस रेंज को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी प्रॉफिट बुकिंग जोन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और इस प्रॉफिट बुकिंग जोन के बाद क्या होता है, जनरली इसके बाद प्राइस आपका वापस से अपसाइड की तरफ जाता है। यानी इसके बाद जो प्राइस आपका अपसाइड की तरफ जाता है, वो अपसाइड मोमेंटम इस अपसाइड मोमेंटम से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा भरोसेमंद होता है और ज़्यादा सस्टेनेबल होता है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर समझना, फिर मैं आपको चार्ट पर आके और डिटेल से बताऊँगा। अब यहाँ पर देखिए, जो भी लोग इससे पहले एंट्री किए हैं वो यहाँ पे निकल जाते हैं। मतलब जिन लोगों को भरोसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, वो यहाँ पे निकल रहे हैं। मतलब जो वीक बायर्स हैं, यानी जो बायर्स हैं जिनमें स्ट्रेंथ नहीं है, जो स्ट्रांग नहीं है, वो यहाँ पे निकल रहे हैं। मतलब निकल कौन रहे हैं, कमज़ोर लोग निकल रहे हैं। और यहाँ पर एंट्री कौन करें, जिनको मार्केट के ऊपर भरोसा है, जिनको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, वो लोग यहाँ पर एंट्री करें। मतलब कमज़ोर लोग निकल रहे हैं और स्ट्रांग बायर्स एंट्री करें। डैट मीन्स टू आगे जो अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा वो क्या होगा, वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, सस्टेनेबल होगा, भरोसेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांग बायर्स ने एंट्री किया है। तो इसलिए ये जो अपसाइड मोमेंटम दिखाता है, इसको अर्ली आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपको यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अपसाइड मोमेंटम के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आता है, उस प्रॉफिट बुकिंग को आप कैसे आइडेंटिफाई करें, और उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो हमें अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट मिलता है जो काफ़ी भरोसेमंद होता है, उस ब्रेकआउट को कैसे आप पहले आइडेंटिफाई करके उसके बेसिस पे आप प्रॉफिट बना सकते हैं, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो में आपको यही कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब यहाँ पे हम चार्ट पे आते हैं और ये देख सकते हैं आपका बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पे लोगों को टाइम फ्रेम के लेके बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है, बहुत सारा डाउट रहता है। तो यहाँ पे आप मिनिमम 30 मिनट वाला ही टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि इससे नीचे करेंगे तो एक्यूरेसी लेवल नहीं आएगा, फिर ये स्ट्रैटेजी का कोई मतलब नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या देखना है, अपसाइड मोमेंटम के बाद रेंज बाउंड मूव 5 करना। यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम आया है और उसके बाद प्राइस आपका एक रेंज पकड़ लिया है। अब ये रेंज क्या प्रॉफिट बुकिंग है या नहीं है, इसको हमें कैसे आइडेंटिफाई करना, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे, फिर इसके बाद जो ब्रेकआउट देगा उसको भी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बेसिस पे हम ट्रेड करके कैसे प्रॉफिट बनाएंगे, सबके ऊपर हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस लेवल पे बाइंग हुआ, इस लेवल पर सारे लेवल पर बाइंग हुआ। और जो भी लोग इस पर्टिकुलर लेवल पर बाइंग किए हैं, उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर एग्जिट किए हैं। अब लोग यहाँ पर एग्जिट किए हैं कैसे, सेल करके एग्जिट किए। अब यहाँ पे लोग तो सेल किए, लेकिन सेल करने के बावजूद भी प्राइस यहाँ पे नीचे नहीं जा रहा। मतलब यहाँ पे सेलिंग तो हो रहा, एट द सेम टाइम यहाँ पे लोग बाय भी कर रहे हैं और यहाँ पे एंट्री भी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे एग्जिट भी हो रहा और एंट्री भी हो रहा है। एग्जिट कौन लोग कर रहे हैं, जो कमज़ोर लोग हैं वो यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, और जो स्ट्रांग लोग हैं वो यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। और वही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे देखिए, जो वीक लोग हैं वो एग्जिट करें और स्ट्रांग लोग हैं वो एंट्री करें। अब यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, इसका हिंट हमें कैसे मिलेगा, इसके लिए क्लियर कर देना चाहूँगा, ये जो कैंडल है उससे प्रीवियस जो भी ग्रीन कैंडल है वो स्ट्रांग वाला ग्रीन कैंडल होना चाहिए, उसके लोएस्ट पॉइंट को हम मार्क करेंगे। अब प्राइस उस लोएस्ट पॉइंट के नीचे नहीं जाना चाहिए अगर ये प्रॉफिट बुकिंग है तो। अगर प्राइस इस लोएस्ट पॉइंट के नीचे गया तो डैट मीन्स टू ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, और ये जो हमारा स्ट्रेटजी है ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, ये यहीं पे बंद हो जाएगा, इसके आगे हमें कुछ नहीं चेक करना। लेकिन जब तक इस लोएस्ट पॉइंट को होल्ड किए हुए, मतलब ये प्रॉफिट बुकिंग आपका हो सकता है, और जैसे लोएस्ट पॉइंट के करीब आएगा तो हमें यहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग एक्टिव होता हुआ दिखेगा,
यानी अगर जो भी कैंडल नीचे आ रहा तो हमें बॉटम में टेल देखने को मिलेगा कैंडल में। अब यहाँ पे देखिए, जो भी कैंडल नीचे आया उसमें हमें टेल एट द बॉटम देखने को मिल रहा है। अगर बॉटम में टेल है दैट मीन्स तो क्या हुआ, प्राइस का रिजेक्शन हुआ है। कहाँ से? रिजेक्शन फ्रॉम बॉटम। अगर बॉटम से प्राइस का रिजेक्शन हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग हो रहा, बायर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब यहाँ पे हमें क्लियर मिल गया कि बायर्स स्ट्रांग है और यही दोनों कैंडल हमें काफ़ी हद तक आइडिया दे दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। और एट द सेम टाइम यहाँ पे प्राइस आपका नीचे भी गिरने नहीं दिया जा रहा, मतलब यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, एक्युमुलेट कर रहे, एंट्री भी कर रहे, यानी यही जोन आपका क्या बनता है, एक्युमुलेशन जोन बनता है। यानी जिन लोगों को यहाँ पे मौका नहीं मिला था एंट्री करने का वो लोग यहाँ पे एंट्री करें और उनको भरोसा है कि प्राइस यहाँ से और अपसाइड की तरफ जाएगा, मतलब ये आपका एक्युमुलेशन जोन है और दोबारा एंट्री करने का जोन है, यानी सेकेंड अपॉर्चुनिटी देता है प्रॉफिट बनाने का। अब इसके बाद हमें कैसे पता चलेगा, कैसे कंफर्मेशन मिलेगा कि आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है, इसके लिए क्या करेंगे, लोएस्ट पॉइंट को हम मार्क करेंगे और हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करेंगे इस पैटर्न में जो भी बना है। और जैसे ही प्राइस इस हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम बाई करेंगे, मतलब यहाँ पे हम समझेंगे कि हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन था और इसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, यानी पैटर्न का हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक करके ऊपर निकलते ही हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। और यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट क्या हो जाएगा, लगभग होगा 33,300 करीब यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, जो लोएस्ट पॉइंट है उसको हम एज ए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेंगे। और इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है, इस पर मैं वापस से आऊँगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझना, इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल क्या कर रहा है, इससे पहले ये जो लेवल था आपका 33,000 का लेवल था, ये लेवल आपका रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। अब प्राइस नीचे से ऊपर आया, यानी इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करते हुए प्राइस ऊपर आ गया। अब ये रेजिस्टेंस लेवल किसमें बदल गया, ये रेजिस्टेंस लेवल आपका बदल गया सपोर्ट में। यानी इसको मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस आया इसको ब्रेक करके ऊपर निकला, अब ये रेजिस्टेंस लेवल आपका सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया और सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पे क्या बन रहा है, ये रुकता हुआ दिख रहा है। और सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्युमुलेशन हो रहा है, वीक बायर्स मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं और स्ट्रांग बायर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। और ये कंडीशन भी हमें देखना, अगर ये कंडीशन भी हो रहा है तो आप यहाँ पे कंफर्म मान के चल सकते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको हो रहा और यहाँ से मार्केट वापस से सेकेंड टाइम हमें अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। ये चीज़ भी हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या डिस्कस कर लिया था, इसका लोएस्ट पॉइंट एसएल के रूप में काम करेगा और इस पैटर्न का हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक करते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे बाई साइड की तरफ। अब टारगेट प्राइस क्या होगा, अगला हर्डल जहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है, देखिए हमने यहाँ पे एंट्री लिया था लगभग 33,300 करीब, अगला हर्डल जो होगा साइकोलॉजिकल 33,500 होगा। यहाँ पे आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यानी तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हो, इतना छोटा तो प्रॉफिट नहीं होगा। उसके बाद प्राइस आपका ऑल द वे अगला हर्डल यानी 34,000 करीब गया और इससे पहले यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे, यानी तो जो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो एनी हाउ यहाँ से हमें लगभग 400 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा और 400 पॉइंट का प्रॉफिट कब मिल रहा, लगभग आपको 3 आवर्स में ये 400 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा। तो देखिए ब्रेकआउट ये कितना ज़बरदस्त है, उसके बाद एक बार भी फॉल्स नहीं हुआ, सिर्फ एक छोटा सा रेड कैंडल बनाया लेकिन वो भी अपसाइड मोमेंटम को ही कंटिन्यू कर रहा है। और यहाँ पे कंटिन्यू आपका क्या बना है, हायर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन करते गया और प्राइस आपका ऊपर निकलते गया। इसी तरीके से ये जो अपसाइड मोमेंटम है ये ज़्यादा स्ट्रांग है इन कंपेरिजन टू दिस, और यहाँ पे आप एंट्री करके इस तरीके से आप यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम और एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी के आवर्ली चार्ट में आ गए, क्योंकि हम 30 मिनट से बिलो टाइम फ्रेम में नहीं जा सकते इसलिए हमें आगे टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए सिंगल कैंडल आपका थोड़ा अपसाइड मोमेंटम दिखाया और उसके बाद ही मार्केट आपका एक रेंज पकड़ लिया। अब ये क्या कैंडल, कोई रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके सपोर्ट बनाया है। तो यहाँ पे अगर हम इस कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को देखें तो ये ओपन हुआ था 17,437 पे और क्लोजिंग दिया आपका 17,526 पे, यानी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल था 17,500, इसको ब्रेक करके ऊपर निकला और इस रेजिस्टेंस लेवल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो 500 का सपोर्ट लेवल है इसके आसपास मार्केट आपका एक रेंज में घूमा है। तो क्या करना, मार्केट जैसे ही रेंज पकड़ा है
हमें क्या देखना है कि प्रॉफिट बुकिंग है या नहीं है। उसके लिए इसके हाईएस्ट पॉइंट को हम मार्क करेंगे और प्राइस जैसे इसके हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर निकला, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे बाई साइड की तरफ। और इसका लोएस्ट पॉइंट क्या काम करेगा, हमारा एसएल के रूप में काम करेगा, यानी यहाँ पे हमारा एसएल होगा 17,400 का और यहाँ पे जो हम एंट्री लेंगे वो लगभग आपका 17,550 के करीब यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, यानी लगभग मेरा जो एसएल है वो 150 पॉइंट का एसएल है। अगर आप इतना बड़ा एसएल रखने में सक्षम है तो यहाँ पे ट्रेड लीजिए, नहीं तो आप ट्रेडिंग करना छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे आप ट्रेड लीजिए, रिस्क ज़्यादा है। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही लग रहा है तो फिर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम 550 के लेवल पे एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिनिमम हमारा टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए, 150 पॉइंट का रिस्क है तो 300 पॉइंट के मिनिमम टारगेट प्राइस के ले जाएंगे, यानी यहाँ पे जो हम जाएंगे एटलीस्ट 17,850 या फिर 17,900 तक के लेवल के लिए आसानी से जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट डे प्राइस आपका ओपन होते ही उस पर्टिकुलर लेवल तक पहुँच गया है। तो यहाँ पे अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो इस टारगेट प्राइस के लिए आसानी से जा सकते हैं। और इसके बाद जो ब्रेकआउट दिखाता है वो जनरली ज़्यादा फॉल्स नहीं होता, काफ़ी सस्टेनेबल होता है। हो सकता है प्रॉफिट आपको इंट्राडे में ना मिले, बीटीएसटी में मिले या फिर दो तीन दिन बाद मिले, लेकिन प्रॉफिट मिलना तय है। इसलिए बोलता हूँ इसके बेसिस पे इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ा बहुत आप अवॉइड कर सकते हैं, आप बीटीएसटी करना प्रेफर कीजिए या नहीं तो वीकली बेसिस पे अगर आप करते हैं तो वो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं एशियन पेंट के डेली चार्ट में। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे भी मार्केट आपका एक रेंज में था, यहाँ पे जबरदस्त एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ विथ वॉल्यूम। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्राइस यहाँ पे भी आपका एक रेंज पकड़ लिया है और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी कम है, वॉल्यूम कम है उसके बाद भी प्राइस आपका नीचे नहीं गिर रहा। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एक्युमुलेशन जोन है, इसको आप वॉल्यूम के बेसिस पे भी काफ़ी आसानी से फिल्टर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब क्या ये क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, हमें वो देखना। तो इस पर्टिकुलर लेवल को अगर हम देखते हैं, ओपन हुआ है 2591 पे और क्लोजिंग दिया है ये आपका 2744 के करीब, यानी ये एक नहीं दो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है, पहला है 2600 और दूसरा है 2700, यानी ये दो रेजिस्टेंस लेवल को सपोर्ट में कन्वर्ट किया और उसके बाद प्राइस आपका यहाँ पर एक रेंज के बीच में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, जो हम हमेशा से करते हैं, इस रेंज का हाईएस्ट पॉइंट को मार्क कर लेंगे। अब जैसे इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा यहाँ पे हम एंट्री करेंगे विथ सॉलिड कैंडल, यहाँ पे इसको ब्रेक करना चाहिए और स्टॉप लॉस वापस से इस लोएस्ट पॉइंट को स्टॉप लॉस के रूप में रखेंगे। अगर यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में जा रहा है तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आप चाहो तो इस पैटर्न के लोएस्ट पॉइंट को भी आप एज ए स्टॉप लॉस के रूप में काम कर सकते हो, लेकिन वो सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो तो आप चाहो तो इस पैटर्न का जो लोएस्ट पॉइंट बना है उसको आप एज ए स्टॉप लॉस रख लीजिए, फिर आप यहाँ पे चाहो तो एंट्री ले सकते हो। फिर आप अगला जो हर्डल जहाँ पे होगा, यानी अगला मैक्सिमम हर्डल इसमें कहाँ पे था, उसके बाद जो मेजर हर्डल था वो 3000 करीब था, तो यहाँ पे आप 3000 तक के प्राइस के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पे जो हम एंट्री लिए लगभग 2800 करीब यहाँ पे हमने एंट्री लिया, यानी यहाँ से लगभग 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, यानी लगभग आपका 7-8% के करीब यहाँ पे प्रॉफिट मिला। और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं लगभग आपका कितना पॉइंट का हो जाएगा, लगभग यहाँ पे आपका एसएल भी होगा 100 पॉइंट के करीब, यानी 200 पॉइंट का टारगेट, 100 पॉइंट का एसएल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:2 के करीब है, इसके बेसिस पे जाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बस दो तीन चीज़ पॉइंट देखना हमें, सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लेवल को सपोर्ट में कन्वर्ट करना चाहिए, उसके बाद प्राइस आपका अपसाइड मोमेंटम दिखाना चाहिए, चाहे वो अपसाइड मोमेंटम सिंगल कैंडल के बेसिस पे क्यों ना हो या फिर मल्टीपल कैंडल के बेसिस पे क्यों ना हो। उसके बाद जिस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया है उसके ऊपर प्राइस आपका एक रेंज के बीच में मूव करना चाहिए और उस रेंज के हाइएस्ट पॉइंट को मार्क करना, और जैसे उस रेंज को ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकला यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे बाई साइड की तरफ। तो इस तरीके से आप ये जो प्रॉफिट बुकिंग जोन है इसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी एक्युमुलेशन जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और एक्युमुलेशन जोन के बाद जो सेकेंड राउंड में जो अपसाइड मोमेंटम आता है जो काफ़ी भरोसेमंद होता है उसके बेसिस पे भी आप ट्रेड लेके आसानी से कम टाइम में प्रॉफिट बना सकते हो। सो उम्मीद करते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर प्रॉपर आंसर किया जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।